अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको खुश आमदीद कहते हैं द मॉर्निंग लाउंज यानी कि ब्राइडल सीज़न 6 जो कि आज जो है वो है तीसरा हफ्ता। तीसरे हफ्ते में को थोड़े से दिन रह गए, लेकिन मैंने आपसे कल अर्ज़ किया था कि आज जैसे कि आप देखेंगे हमारी प्रेजेंटेशंस भी होंगी, लेकिन 10 बजे के 10 to 11 जो है हमारे साथ हमारे कॉम्पिटिशन के अंदर कॉम्पिटिटर्स भी हैं, ये वो ब्यूटिशन हैं जिनको बहुत शौक था और कभी सोचा नहीं था कि कभी वो भी जो है ब्राइडल कॉम्पिटिशन जो कि इंडस में गुजशत 6 सालों से हो रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मैंने आपको पहले कहा था जो लोग चाह रहे हैं आ जाए, कम अज़ कम द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी पब्लिसिटी भी कर सकते हैं, लोग आपको जान सकते हैं, कुछ नहीं तो आपके इर्द गिर्द के जो कि एरियाज हैं जहाँ पे आपके सैलून हैं वहाँ के लोग आपको देख लेते हैं। तो लिहाजा जो है हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं फुल तैयारियों के साथ भी हैं, वो हम आपको दिखाएंगे भी, साथ साथ प्रेजेंटेशंस की भी जो तैयारियाँ हो रही हैं, और ना सिर्फ ये आज जो है फैशन शो भी है डिज़ाइनर उज़्मा का, तो सब मॉडल्स भी तैयार हो रही हैं, सब जो कि गहमा गहमी सी है। तो यहाँ पर जो है अब थोड़े से दिन रह गए हमारे कंपटीशन ख़त्म होने में, आज शुरुआत है और जो कॉम्पिटिटर्स है ताकि जो है हमारी प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप कंपटीशन भी देखें। रोज़ाना हर रोज़ कोशिश यही होती है क्या कुछ हम आपके लिए नया लेकर आए। खैर दुल्हनें तो नई होती ही हैं, क्यों नहीं, क्योंकि उनका मेकअप भी, मॉडल्स भी, उनके कपड़े भी इंसान को एक नया लुक भी देते हैं। आई एम श्योर तमाम हमारे नाज़रीन जो कि घर बैठे इस वक्त इंजॉय करते होंगे, इंतज़ार करते होंगे कि आज सब ने क्या पहना है। बहुत सबको इंतज़ार होता है कि अंबर ने क्या पहना है, तो बहरहाल देखें सुबह सुबह जो है मुझे भी कितना तैयार होना पड़ता है। बहरहाल मुझे बहुत शौक है तो मैं माइंड नहीं करती, सारे मैं पेंस उठा लेती हूँ, सारी बात है शौक से, शौक के साथ अपने काम को हमेशा जो है जस्टिफिकेशन के साथ जो काम करना चाहिए और दिलचस्पी के साथ। तो लिहाजा बातचीत अब कम करते हैं, हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे अपने मेहमानों के साथ जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। सो एंड यू कैन कॉल मी ऑन 0900-333-22। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमारे विनर्स के लिए क्या क्या प्राइजेज हैं। तो नाज़रीन आप हमारे साथ रहिए, आपका इंटरेक्शन रहेगा टेलीफोन के जरिए, जब तक के लिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त जो है हम वापस आपसे मुखातिब हो रहे हैं। साथ साथ जो है दुआ में भूल गए कि हमारे जहाँ भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं अल्लाह ताला उनकी दिली ख्वाहिशातों को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी अब हमारे गेस्ट भरपूर तैयारियों के साथ, और एक बार फिर आयमा से कि माशाल्लाह माशाल्लाह सुबह सुबह तैयारियों के साथ इतने सारे पेंस उठाना जो है वो उनकी प्रेजेंटेशन ना कि सिर्फ एक दिन बल्कि आपने देखा गुज़िश्ता दिनों से हमारे साथ मुस्तकिल आ रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी कॉम्पिटिटर्स के साथ साथ कुछ नया भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए जी हमारे साथ सबसे पहली मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं जो मेरे सामने वो है ब्यूटिशियन गज़ाला। तो आइए जी गज़ाला अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? तो कितना चाहिए शादी ब्याह के कपड़े पहन के आ जाए, आ जाए बैठे आप, प्लीज़ आप बैठे हैं गज़ाला, क्योंकि साथ हमारे और ब्यूटिशियंस भी हैं, ब्यूटिशियन अफशीन। अस्सलाम वालेकुम भाई, अफशीन जो है ना बड़ा ज़बरदस्त लाइट मार रही है अफशीन है आपसे कम, अरे प्लीज़ टेक योर सीट्स, और सब ब्यूटिशियंस को मैं बुलाती हूँ पहले, और निगत कुरैशी भी सामने हैं हमारे, आइए जी निगत, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, बहुत अच्छा माशाल्लाह, आइए भी आपसे बातचीत करते हैं। और आज हमने आपसे कहा था एक मेहमान और जो कि आज फैशन शो हाल ही में उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, और हमने सोचा क्यों ना आपका जब इतना रिसेंटली आपने स्टार्ट किया है तो आप इंडस पे एक फैशन शो कीजिए, ताकि जो भी ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में भी हमारे जितने लोग हैं वो उनके कपड़े भी देख सकते हैं। तो
डिजाइनर उज्मा को हम वेलकम करते हैं. आइए उज्मा, वंस अगेन वेलकम ऑन द बोर्ड. यू आर वेलकम. आइए जी, प्लीज बैठे, आप यहाँ जाओ. अच्छा जी, जिसके माइक नहीं है तो हाथ में वो माइक ले लें. ओके, तो ये बताइए तैयारियाँ कैसी चल रही हैं सबकी? उसमें आपको कैसा लग रहा था एकदम से जो है? कभी सोचा था कि अभी दो रोज़ पहले ही आप आई थी और एकदम से आप दोबारा हम आपको बुलाएंगे और फैशन शो भी होगा? बहुत अच्छा लग रहा है अंबर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और बीइंग अ यंग डिज़ाइनर, इट्स वेरी एनकरेजिंग फॉर मी. क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इतना एनकरेज करते हैं, लेकिन आई मस्ट से यू आर द वन हु इज़ प्रमोटिंग न्यू टैलेंट. ये बहुत अच्छी बात है. नहीं, थैंक यू सो मच. इंसान की शुरुआत ऐसी होती है कहीं ना कहीं से, बस ये कि कोई ना कोई टकरा जाता है. अल्लाह ताला कहता है ना, वसीले बनाते हैं और मौके. तो अच्छा, अफशीन तो आज बड़ा लाइट मारी है. अफशीन बहुत अच्छा लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक ब्लू कलर. मैं माइक है, अच्छा हाँ शार्प कलर. नहीं, मैंने भी पूरा याद है, पूरा प्लेन जोड़ा है शिफॉन का, उस पर मैं अलग से, तो बड़ा अच्छा लगता है. बस अंबर, आप ही को देख देख के हम लोग भी डिज़ाइनिंग देख रहे हैं. बहुत प्यारा कलर. मैं अच्छा, आई ऑलवेज गो फॉर सॉलिड कलर्स, वो भी डिज़ाइनर, लेकिन एकदम जो प्लेन सॉलिड कलर्स बड़े अच्छे लग रहे होते हैं ना. थैंक यू. अच्छा, दुल्हनों की सब हो गई थी तैयारी? तैयारी तो तकरीबन हो गई थी रात से ही, हम लोग तकरीबन 3 बजे 4 बजे से. आज मैं सो गई थी, आज मुझे हैरत हो रही थी. जिस दिन दुल्हन आई थी आज सो गई थी. हाँ, आज सो गई थी, लेकिन उठ गई थी 3-4 बजे उठ के, फिर वही मेकअप तैयारी. कितने बजे सोई थी? कितने बजे उठी थी? 3-4 बजे उठ गई थी. मेरी असल में ट्विंस बेटी है, मैं जरा लेट ही सोती हूँ. दो छोटी छोटी हैं अभी, 3 ईयर्स अगो. और क्यूट है, कभी लाए ना उनको शो में? ले आऊं? हाँ, क्यों नहीं. वो रोज मुझसे कहती है, मम्मा मुझे भी जाना है टीवी पे. अरे ले आइए, बिल्कुल लेकर आइए ना. सच में मैं अब लेके आ जाऊंगी नेक्स्ट. वो मुझे हमेशा जब प्रोग्राम देखते हैं ना, तो उसमें मुझे कहती है, मम्मा मुझे भी जाना है, आंटी के पास बैठना है. सो स्वीट. अच्छा, दोनों ट्विंस की बहुत शबात है, मतलब कि आप, खैर माँ तो बिल्कुल बता सकती है, लेकिन एक होता है ना, ट्विंस होते हैं लेकिन इतनी रिजेम्बलेंस नहीं होती. फर्स्ट टाइम जो देखते हैं उन्हें लगता है कि अच्छा अच्छा, लेकिन हमें तो नहीं लगता. लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो भी हैं, वो सब ये कहते हैं, आप तो कैसे पहचान लेते हो, कैसे कर लेते हो. अल्लाह. और अच्छा, आदत है कैसे जो अक्सर ट्विंस होते हैं तो कहते हैं ना कि एक साथ उनको भूख लगना और आदतें भी एक जैसी होती हैं, एक को रोना आएगा तो दूसरे को भी रोना आएगा, ऐसा होता ही नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. उन दोनों की नेचर, उन दोनों के स्टाइल, उनका सब कुछ डिफरेंट है. उनकी हेल्थ वगैरह, इवन हर चीज़ है उनकी. एक को मीठा पसंद है, एक को नमकीन, इस तरह हर चीज़ इस तरह से. नहीं, चलो इंशाल्लाह ज़रूर उनसे मुलाकात करेंगे. हाँ जी गजाला, आप भी सब तैयारियों के साथ हमारी ब्यूटीशियन. आप बहुत प्यारी लग रही है, बहुत कलर, बहुत बहुत फाइन है, बहुत अच्छा लग रहा है. शुक्रिया. अरे कल तो मैंने सर पे आज पूछे नहीं, जिस तरह से मैं तैयार हुई. और हम अभी यही बात कर रहे थे कि हम जैसे कभी कभी आना होता है, हमें इतना प्रॉब्लम होता है कि 2 दिन हम लोग मतलब तैयारी में लग जाते हैं. और रोज आना, आपका आना और तैयार होके बहुत बड़ा आपका वर्क है, बहुत ज्यादा. नहीं, बस शौक की बात. आई थिंक शौक भी मुझे बहुत है कि मैं नहीं ऐसी नहीं टाल दूँ ना, होता है जब है ब्राइडल. सही बात है, शौक की बात है. शौक की बात है तो इसलिए हमें लेके चल रही ना आप. अगर आप में शौक नहीं है तो हम भी ऐसी, हमें भी शौक. बिल्कुल सही बात है, ताकि आप लोग भी माशाल्लाह जो है बहुत अच्छा लगता है. आपसे हमें एनर्जी मिलती है ना. थैंक यू गजाला. माइक है आपके पास? हाँ, माइक है. अच्छा जी निगत, आप बताइए. माशाल्लाह आपको तो एक घर की मॉडल मिली हुई है जी, जी. और माशाल्लाह वो इजीली अवेलेबल. अच्छा अंबर, आज मेरा खांसी बीच में हो सकती है, बुखार भी था रात को, लेकिन आई एम यूज्ड टू, मुझे कोई फिक्र नहीं होती. आप चाहे मुझे लास्ट मोमेंट पे भी कहें मेकअप कर दो, तो मैं विद इन 10 मिनट्स दुल्हन तैयार कर दूंगी. मुझे कोई टेंशन नहीं होती मेकअप करने से, इतनी प्रैक्टिस हुई है. प्रैक्टिस के साथ साथ स्पेशली आप लोग ये बताएं, आप लोग ये तो डिज़ाइनर हैं, अपना मेकअप करना हो तो मिनटों में कर ले कि दूसरे का मेकअप आसान हो. देखें अंबर, पहली बात तो ये है कि अपना मेकअप करने का इधर बिल्कुल टाइम ही नहीं होता. नहीं, यहाँ तो नहीं होता, बिल्कुल टाइम नहीं होता. जब भी हम आते हैं
अभी जैसे मैं स्ट्रेटनर करूँगी, स्ट्रेटनर नहीं, रात तक नहीं मौका मिला, सुबह तक मौका नहीं मिला, सही बात है, बिल्कुल मौका नहीं मिलता। और ये कि माशाल्लाह मॉडल यहाँ जब हम प्रेजेंटेशन के लिए लाते हैं तो हमें ये होता है कि हमारी बेस्ट ब्यूटिश मॉडल हो, सही बात, और उसके ड्रेस भी वो हो ऐसा कि ये चीज़ें प्रेजेंटेशन में फिर वो मज़ा भी आता ना। अगर हम यूँ ही एकदम से ये वो कर उठा लाए तो वो मज़ा भी नहीं आता। सही है, खास मैं तो इन चीज़ों पे एम्फसाइज करती हूं। अभी जो हमारे, अब आप देखेंगे, आप लोग भी मिलेंगे उनसे, कॉम्पिटिटर्स जो आए हुए हैं जिससे आज ब्राइडल कॉम्पिटिशन स्टार्ट है। तो अभी भी अगर कोई कहता ना सोए हुए को जगाना हो और आप चाह रहे हैं कि यार काश मैं अप्लाई कर देती, तो अभी भी टाइम है कि आप आ सकते हैं इंडस जल्द से जल्द और रजिस्ट्रेशन करवा। मैं तो ये कहती हूँ कि भाई इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है आपको इंक्रेज होने के लिए, और इतना ज़बरदस्त है, हम लोग का मेकअप भी प्रमोट होता है, बिल्कुल, हम ज्वेलरी लेकर आती है वो भी प्रमोट होती है। अब जैसे मैं हमेशा अपनी ब्राइड, जब भी मैं ब्राइड बनाती हूँ, मैं ताब भाई हैं हमारे न्यू जेवर ज्वेलर दुपट्टा गली वाले, मैं हमेशा जाती हूँ वहाँ और मैं कहती हूँ मेहताब भाई मुझे शो के लिए ज्वेलरी चाहिए, और वो बगैर चूल्हा चला 5 मिनट्स में देता हूँ। अब कल मेरे साथ भी यही हुआ जो इवन क्या नाम है उनका, हनी भाई जेवर ज्वेलर, वो हमेशा ला रहे, वो हमेशा दे देते हैं। मैंने कहा अब कल टाइम नहीं था तैयारियों के अंदर, मेरा शूट था सुनीता मास्टर का शूट करना है, तो मैंने कहा चलो मैं गल्फ में जाती हूँ, लेकिन गल्फ में तो कोई ज्वेलरी, मैं कहा मैं आपको कुछ रखवा देती हूँ, कहते नहीं आपको हम सब जानते हैं लेकिन हमने छोड़ ही दिया ज्वेलरी देना, लिटरली मैं कहा टाइम नहीं है, रात हो गई और अभी अब मेरे पास यहाँ भी नहीं है, मैं ट्राई रोड जाऊँ। फिर मैंने लिटरली परचेज किया, खैर अलहमदिल्ला मेरी अपनी इतनी होती है कि निकालने को, लेकिन मुझे चाहिए था ब्राइडल के लिए, तो बेस्ट तारिक रोड वाले भी जो है दे देते हैं ज्वेलरी, करते हैं जेवर ज्वेलर वाले। हाँ, वरना तो वही मैं कहती मैगजीन में जो आपको ज्वेलरी चाहिए होती तो कैसे लोग दें फिर ना, यानी कि ना प्रॉब्लम बहुत होती है, हम लोग को इतनी प्रॉब्लम होती है कि दो दिन हमें लग जाते हैं ड्रेस का। मैंने खुद ने कल परचेज की ज्वेलरी जब मुझे शूट करवाना था, हालांकि पहना सकती थी लेकिन मैंने कहा नहीं तो लेके रखी, लेकिन ज़्यादा जैसे परचेज अगर इंसान करना हो तो वो तारिक सेंटर पर अच्छी वैरायटी है जो कि रीजनेबल। जी आपने देखा, और अब आप हमारे साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं 09000332 पे। यहाँ पर जो है हमारी ब्यूटिशंस की जो प्रेजेंटेशंस हैं ब्राइड्स, वो तैयार हो चुकी हैं, तो आइए जी हम ज़रा एक एक करके दिखा दें, हमारी ब्यूटिशंस भी आ जाएं जो यहाँ पर हैं। आपने हेयर स्टाइल जो है, हमें हेयर स्टाइल मैंने वो लगाया, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन लगाया है, देखिए कितना नेचुरल, और ये देखें जरा दिखाएं कितना अच्छा एक्सटेंशन लग रहा है। मैंने नेचुरल हेयर्स और एक्सटेंशन को दोनों को मिला के ना फिर बबल्स वगैरह का अपने जी, ऊपर इनके अपने बाल है ना, रोलर्स वगैरह लगा दिए, मेकअप में भी सॉफ्ट ही रखा है, ड्रेस जरा थोड़ा हैवी हो गया था वलीमे के हिसाब से, तो मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट ही मेकअप रखा है ना। ज्वेलरी की मैचिंग जबरदस्त हुई है, बस हम पर सारा दिन इसी चक्करों में लगे हैं, इसी में से नाम निकाल के जैसे कि ज्वेलरी बनाई हो। हाँ जी देखें आप, और आपको दिखा रहे हैं अफशीन, हाथ भी देखें जरा, फिर आपको दिखाते रहेंगे पूरी मेहंदी डायमंड टीज, इतनी मेहनत की है तो एक एक चीज आप देखें। मैं अपने स्टाफ की भी हम पर शुक्र गुजार हूँ जो बेचारे इतनी मेहनत से लगाती है मेहंदी, इतने टाइम देती है। मेरा स्टाफ कहता है मैम हम भी जाएंगे, मैंने कहा छुट्टी कि आप नहीं ब्राइड लेके जा रही है, मैंने कहा मैं ही तैयार हो जाऊँ, बहुत सुबह सुबह देखते हैं अभी, मैंने कहा मैं खुद ही ब्राइड बनकर आ जाऊँगी एक दिन, बस देख लेना खाता, प्रेजेंटेशन मेरी अपनी सही है। हाँ जी अफशीन से भी, और साथ साथ अभी है हमारी गजाला। अच्छा गजाला, अभी आपने हेयर स्टाइल आप कुछ बताई थी जी, हेयर स्टाइल मैंने 2012 का मैंने किया है, 2012 का बनाया है, ठीक है, इस थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा दिखा सकते हैं, जी जी ठीक है जी, हेयर स्टाइल दिखा देते हैं 2012 का। ये आपने खुद बनाया पीस? नहीं ये खुद ही बनाया है,